Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss some concepts and questions related to prepositions. Now in NMAT examination, you can have them in form of error detection questions, or you know, separately we can have questions based directly on prepositions. So where you have to fill in the blanks. So this is a very important topic. So let's begin it. Now, what is preposition? Preposition, you know, refers to those words that come before noun or pronoun. Preposition. So they come before noun or pronoun, and basically they tell us place. You know, they tell us where that object is located. Place, time, direction. ये सब चीजें बताते हैं प्रेपोजिशन, एंड दे कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस. नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू यू नो फिल इन द ब्लैंक्स. दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर एक्चुअली द प्रेपोजिशंस, एंड यू हैव टू फिल देम इन द ब्लैंक्स. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. कृष्णा सेड दैट ही वुड अराइव डैश 2 and 3 PM. नाउ वन थिंग, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. The second one is, in the newly constructed shopping mall, the shops stay open dash 11 AM to 11 PM. Now, both of these sentences are about time. Now, you have to remember one thing, that when you're talking about time, to, you know, if I'm using between, to between ke saath and aayega hamesha. Aur to use karna hai to from hoga. From and to. Matlab ye ek saath aate hai. So, ye hi pair hote hai. So, you can use between, you know, this PM to that PM. या फिर फ्रॉम दिस पीएम टू दैट पीएम, ये ऐसे ही होगा. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टाइम, बट यहाँ पर एंड है, तो एंड के साथ फ्रॉम नहीं आता, ऑलवेज बिटवीन आता है. बिटवीन, कृष्णा सेड दैट ही वुड अराइव बिटवीन 2 and 3 PM. मेनी अ टाइम्स यू कैन यू नो मेक दिस मिस्टेक कि बिटवीन भी करके फिर यहाँ टू कर दोगे, दैट कृष्णा सेड ही वुड अराइव बिटवीन 2 to 3 PM. नो, बिटवीन के साथ टू नहीं आएगा, फ्रॉम के साथ आएगा. ठीक है, यू नो यूजुअली दिस इज द केस कि बिटवीन के साथ हम एंड लगाते हैं और फ्रॉम के साथ टू. सो सेकंड सेंटेंस, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉपिंग मॉल, द शॉप स्टे ओपन, अब यहाँ पर टू है तो वी विल यूज फ्रॉम. सो फ्रॉम हियर एंड बिटवीन हियर. द फॉर्मेलिटीज आर ऑल ओवर एंड द रॉकेट इज रेडी फॉर लॉन्च. अब इसमें क्या आएगा, इन 30 मिनट्स या ऑन 30 मिनट्स या वॉट, जो भी ऑप्शन है, एट. तो इसमें क्या आएगा, देखो एट कब लगाते हैं, एट यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है, बहुत स्पेसिफिक, यू नो एट 2 PM, बहुत स्पेसिफिक है. बट जब टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक है तो एट है, बट अगर पीरियड है कोई, यू नो इट्स नॉट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट होता है पॉइंट, मतलब प्लेस भी अगर हम यूज करेंगे तो एट हमेशा बहुत स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज होता है नॉर्मली, और पीरियड के लिए इन होगा कि इन, यू नो इन दिस पीरियड यू शुड डू दिस, ड्यूरिंग दीज डेज, यू नो, और इन दीज डेज सच थिंग्स हैपन. तो इन पीरियड के साथ ये होता है, और स्पेसिफिक टाइम होगा तो एट होगा. अब यहां पर इन 30 मिनट्स है, सो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, तो हम एट नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू यूज इन. इट इज रेडी फॉर लॉन्च इन 30 मिनट्स, तो हमें चाहिए बिटवीन, फ्रॉम एंड लास्ट में क्या था, इन. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. सो फर्स्ट हैज टू बी बिटवीन, तो ई से शुरू होना चाहिए, सो ए आउट, बी आउट, ई आउट, सी और डी बचा है, दोनों में ई ई है. देन यू हैव फ्रॉम, फ्रॉम इज बी, सो वी नीड बी, ई बी, और फिर लास्ट में क्या था, इन, इन क्या है, डी. सो ई बी डी, दिस इज द आंसर, आंसर इज सी, ई बी डी, बिटवीन, फ्रॉम एंड इन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वॉज हिट डैश अ स्टोन विद या बाय. Now this is a good question because many of us get confused ki with kab aana hota hai aur by kab aata hai. You know, when do we use with? We use with to show togetherness. Uske saath, you know, I worked with her. I worked with her. Ya fir with aata hai when you know you are using a particular instrument. Kisi instrument ya weapon. तब हम विद लगाते हैं. तो या तो किसी चीज के साथ, हम साथ दिखाने के लिए विद यूज करते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का जब यूज होता है तब विद यूज करते हैं. तो और बाय कब लगाते हैं, बाय, बाय, यू नो, वन वन यूजेस दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डूअर, ये काम इसके द्वारा किया गया, बाय दिस पर्सन, यू नो, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम, दिस वर्क वॉज डन
वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा हुआ गया, या फिर बाय एक और चीज के लिए यूज होता है, यू नो टू शो लोकेशन ऑल्सो, जैसे विच विच मीन्स यू नो नियर बाय या बिसाइड. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज बाय द लेक. बाय द लेक मीन्स लेक के बिल्कुल साथ में है, तो बाय तब भी यूज करते हैं. बट विद और बाय, जब यू नो वेन यू टॉकिंग अबाउट कि किस किस साथ काम हुआ या किस चीज से हुआ है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट है तो विद, और जिसने काम किया है उसके साथ बाय. सो द बॉय वॉज हिट, स्टोन एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, वेपन के जैसा है, तो द बॉय वॉज हिट विद अ स्टोन. ठीक है, अगर यहां पर मान लो यही सेंटेंस आगे होता कि बॉय वॉज हिट विद अ स्टोन बाय अ गर्ल, ठीक है, तो गर्ल के लिए हम बाय करते, गर्ल ने उसको पत्थर मारा है, पत्थर के लिए विद करोगे, वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसने किया है डूअर उसके साथ बाय होगा. द बॉय वॉज हिट विद अ स्टोन बाय अ गर्ल, ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज बिटवीन विद एंड बाय, नॉर्मली यही होता है. देन द नेक्स्ट इज, सो फर्स्ट में तो विद आएगा, सो नेक्स्ट इज ही इज राइटिंग डैश इंक. अब देखो, अगर ऐसे होता कि इज यू नो डैश पेन, मतलब वो पेन से लिख रहा है, तो पेन के साथ फिर विद आ जाता, बिकॉज पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो विद लिखते हैं नॉर्मली. बट इंक जब आता है ना, तो हम विद नहीं लिखते, तब हम इन लिखते हैं. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. ऑल राइट, इफ यू आर यूजिंग, नो ही इज राइटिंग विद अ पेन, ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल, बट इंक में इन आएगा, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ही इज राइटिंग इन इंक, इंक के अंदर लिखते हैं इंक, ठीक है, इन. ही डिस्कस द मैटर डैश टी, डैश टी. अब देखो, अगर बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करोगे कि चाय पे चर्चा, तो ऑन सोच सकते हो, यू नो यू कैन गेट कंफ्यूज विद ऑन. प्रेपोजिशंस में खास कर ही होता है कि यू नो हम हिंदी वाले जो अपने वर्ड्स होते हैं इनको डायरेक्टली इंग्लिश में कर लेते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है. सो बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. वी डिस्कस द मैटर, अब ऑन नहीं होगा, ठीक है, ऑन टी नहीं होगा, ओवर टी होगा. जब ओवर टी हो रहा होगा, मतलब अब कॉन्वर्जेशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है. सो दिस कुड हैव बीन यू नो समथिंग वेयर यू कैन गेट कंफ्यूज, बिकॉज हिंदी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर लोगे तो यू नो चाय पे चर्चा तो ऑन कर सकते हो. नो, ऑन टी नहीं होगा, यहाँ पर वी विल यूज ओवर टी, वी डिस्कस द मैटर ओवर टी. सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सबसे पहले विद, देन इन, एंड देन ओवर. सो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए, विद इज ए, सो इट हैज टू बिगिन विद ए, सो बी इज आउट, डी इज आउट, ई इज आउट, अब बी और सी बचे हैं, देन यू हैव टू यूज इन. इन कौन कहाँ पे है, डी, सो ओके दोनों में डी है, देन यू हैव टू यूज ओवर, ओवर होगा, सो इट हैज टू बी सी, ए डी सी, ए डी सी. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज सिटिंग डैश हिज सिस्टर बिसाइड बिसाइड्स. अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, मतलब ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज सिस्टर, फिजिकली मतलब साथ में, सो यू नो यू नियर नियर लोकेशन, बट बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट यू नो बिसाइड में तो जैसे दिस एग्जाम्पल इज ऑल राइट, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज सिस्टर, माई हाउस इज बिसाइड द लेक, बट बिसाइड्स यू नो बिसाइड्स दिस आई लव टू डू दिस, और बिसाइड्स मतलब यू नो बिसाइड्स पेंटिंग, बिसाइड्स पेंटिंग आई ऑल्सो लव डांसिंग, तो मतलब अदर देन पेंटिंग, यू नो अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग आई लव दिस अदर थिंग ऑल्सो, तो बिसाइड्स होता है, बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस. देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज डैश अस. अब ओके, बिटवीन या अमंगस्ट, देखो बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है, बिटवीन और अमंग, बिटवीन हमेशा दो लोगों के साथ यूज होगा, व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, दो लोगों के बीच में, सिट बिटवीन देम, और जब डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन देम, सो बिटवीन विल ऑलवेज बी यूज्ड, यू नो बिटवीन देम मींस देम यहाँ पे पक्का दो लोग ही होंगे जिनके बारे में पहले बात कर चुके होंगे, सो बिटवीन इज यूज्ड टू, फॉर टू ओनली, बट अमंग का मतलब होता है मोर देन टू, जब दो लोगों से ज्यादा की बात हो रही होगी, देन यू हैव टू यूज अमंग, सो वी यूज अमंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग मोर देन यू नो अमंग टू पीपल, सो दैट इज इट. और अमंग और अमंगस्ट में कुछ खास अंतर नहीं होता, यू नो समटाइम्स ओके नॉर्मली वी यूज अमंग नाउ, बट अमंगस्ट कैन बी यू नो सीन इन सम फॉर्मल
फॉर्मल लैंग्वेज, बट अमंगस्ट और अमंग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट डिफरेंस इज बिटवीन बिटवीन एंड अमंग बिटवीन दो लोगों के साथ होता है और अमंग दो लोगों से ज्यादा. सो हियर यू नो ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अस, तो यहाँ पर अब दो लोगों की बात नहीं हो रही है, एंड वी डोंट नो, इट्स नॉट क्लियर. तो सेफर साइड में अमंग ही रहेगा बिकॉज दो लोग क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, सो इट इज अमंगस्ट. अगर पहले दो लोगों की बात हो चुकी होती और फिर बाद में अस होता तो हम समझ जाते कि यस दो के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई दो लोगों की बात नहीं हो रही है, सो इट इज सेफर टू अज्यूम कि यू नो गिवन नहीं है कि दो ही लोग हैं, तो वी आर टेकिंग अमंगस्ट. अमंग और अमंगस्ट इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब इनमें आपको चूज करने को नहीं देंगे. सो बटर इज मेड डैश मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, आई मीन दिस वॉज क्वाइट ईजी एक्चुअली. बटर इज मेड, बाकी besides बिटवीन अमंग फ्रॉम ऑफ नहीं होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से बनता है ना बटर, सो इट इज मेड फ्रॉम मिल्क. सो लेट्स सी विच ऑप्शन वी शुड हैव. सो ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज सिस्टर, तो हमें ए से चाहिए जो बिगिन हो ए से. सो डी इज आउट, ई इज आउट बिकॉज बिसाइड चाहिए हमें. देन द सेकेंड वन इज हमने लिया है डी अमंगस्ट, बिकॉज दो लोगों के बारे में नहीं बताया हुआ है, सो वी नीड सी. So D is out. I'm sorry. We need D. So A and C is wajah se out ho gaye. So ye A or D chahiye. B is all right. All right. Because we need D. So hume chahiye A, fir chahiye D, aur fir chahiye last mein from. So from is E. So A D E. Answer is D. A D E. Beside, amongst, or from. Now next question. I knocked him dash accidentally. Knocked him. अब देखो, on him over. Knock over का मतलब क्या होता है? This is a term, you know, that is commonly used for a specific purpose. Knock over का मतलब यही होता है कि आपने किसी चीज को धक्का दिया और फिर वो गिर गया, वो चीज गिर गई. तो you know, I knocked him over. ये ऐसे फ्रेज ऐसे ही यूज होती है most commonly. तो knock over. So like for example, you know, the strong winds. Strong winds knocked over the stack of paper. तो एक पूरा पेपर का बंडल गिरा दिया, मतलब strong winds. तो knock over इसी चीज के लिए यूज होता है, knock over. So I knocked him over accidentally. He goes to office. अब इसमें क्या आएगा? Now इसमें confusion mainly दो options में हो सकती है, on या by. ठीक है, on foot या बाय फुट, है ना. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है व्हेन यू आर यूजिंग सम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के ही वर्ड यूज कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे प्रेपोजिशंस यूज होते हैं. जब हम बस, ट्रेन, प्लेन या बोट ऐसे कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, देन वी शुड यूज ऑन, कि आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन. ठीक है, लेकिन जब हम कार, टैक्सी, ट्रक, इन सब चीजों की बात कर रहे थे, दैट टाइम यू शुड यूज इन, आई एम इन द कार. तो मतलब यू नो जिस ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में आप अच्छी तरह खड़े होके मूव कर सकते हो, यू नो यू कैन स्टैंड, तो हम ऑन यूज करते हैं, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन. बट कार वगैरह जिसमें आप नहीं मूव कर सकते, यू जस्ट सिट इनसाइड इट, तो इन यूज करते हैं. अब अगर हम जनरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट यू नो आई यूज दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट इन जनरल, लाइक आई गो टू ऑफिस, देन आई यूज बाय, बाय बस या बाय ट्रेन या कुछ भी, तब बाय यूज करते हैं नॉर्मली. जब हमें कोई जनरल हमें बताना होता है कि यू नो आई यूज दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन. बट फुट के केस में बाय नहीं लगाते, ये थोड़ी एक्सेप्शन होती है. सो फुट नहीं होता, फुट के साथ बाय नहीं लगाओगे, बाकी चीजों के साथ आप बाय यूज करते हैं. ही, अगर ही गोज टू ऑफिस, यू नो अगर यहाँ पे फुट की जगह बस, ट्रेन, कुछ और होता तो बाय लिखते, लेकिन फुट है तो ऑन होगा. ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट. ही इज द बॉय हु स्पीक्स विद एन एक्सेंट, एक्सेंट के साथ बोलता है, हु स्पीक्स विद एन एक्सेंट. डू वी हैव विद हियर? यस. तो ही इज द बॉय हु स्पीक्स विद एक्सेंट के साथ आप विद ही लगाओगे, हु स्पीक्स विद एन एक्सेंट. ठीक है, सो आंसर हमें चाहिए सबसे पहले ओवर, सो वी नीड टू हैव डी. तो बाकी ऑप्शंस आउट हो गए, वी नीड डी. डी के बाद हमें चाहिए था ऑन, ए. डी के बाद हमें चाहिए था ए, सो डी ए. और वैसे भी दोनों के बीच में लास्ट में बी ही था, तो इतना उसमें
सोचने की भी जरूरत नहीं थी, टाइम बच सकता था पहले अगर हमने ऑप्शंस देख लिए होते तो. दिस यू कैन डू इन एग्जाम. मान लो कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद लास्ट वाले सेंटेंस में सब में एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चॉइस तो है ही नहीं, आपको वही पिक करना पड़ेगा. तो लाइक इस केस में दोनों में बी ही था, तो दोनों में बी ही सेलेक्ट करना, पढ़ो ना पढ़ो, दिस कैन सेव योर टाइम. ऑल राइट, तो मतलब गेम जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने का ए और सी से ही हो जाता सेकंड सेंटेंस में. सेकंड में आपने देख लिया कि ऑन है, ऑन इज ए, तो मतलब आंसर इज डी ए बी. ऑल राइट, आंसर इज डी ए बी सी. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज डैश वर्क. ओके, नाउ ही इज डैश वर्क, अबव वर्क, आउट ऑफ वर्क. आउट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, अब उसके पास काम नहीं हो, काम के बाहर है. ही इज आउट ऑफ वर्क इज ऑल राइट. 18 एंड डैश कैन वॉच दिस मूवी. अबव, अबव होगा, आफ्टर ऑन इन फोर नहीं होगा, अबव. 18 एंड अबव. अब अबव भी कब यूज करते हैं, यू नो वी हैव दिस अबव, बिलो, एंड देन वी हैव ओवर, अंडर. ये कब यूज करते हैं, कब ये वाले यूज करते हैं, कब ये वाले. ओवर एंड अंडर, यू नो फिजिकली हाइट पे कोई चीज है, मतलब तब बात करते हैं. द फैन इज ओवर माई हेड. फैन जो है ओवर माई हेड, मतलब मेरे हेड के फिजिकली ऊपर है ना, वर्टिकली ऊपर है, ओवर माई हेड. तो जब फिजिकली हाइट आपको शो करनी है तो ये ओवर चलता है. अंडर ऐसे ही फिजिक, मतलब बिलो, फिजिकली नीचे है कोई चीज. जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, अंडर द चेयर. ठीक है, तो अंडर तब होता है, बट अबव और बिलो कब होता है, यू नो अबव और बिलो इज मोर लाइक यू नो लेवल. जैसे कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस, अबव एवरेज परफॉर्मेंस, या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस. अब इसमें कोई फिजिकली हाइट नहीं है, जैसे ओवर एंड अंडर में तो फिजिकली, अगर ये मतलब ये कुछ चीज है तो ओवर ये हो जाएगा इस चीज के ऊपर और अंडर इसके नीचे हो जाएगा, बट फिजिकली वाला मतलब एवरेज में फिजिकली कुछ नहीं है आपके पास, टेंजिबल नहीं है कोई चीज. तो उसमें अबव और बिलो गए, अबव एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, या कोई भी लेवल, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है ना, वी हैव दिस दिस कैटेगरी ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि पॉवर्टी कोई फिजिकली अंडर नहीं होगा. ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन. सो अबव बिलो तब यूज करते हैं. अब एज है, 18 एंड अबव कैन वॉच दिस मूवी. एज है मतलब 18 साल से ऊपर के लोग, 18 या उससे ऊपर के लोग, तो फिजिकली ओवर नहीं ना, मतलब अबव होगा, क्योंकि हम लेवल की बात करें कि एज का एक लेवल है उसके ऊपर के लोग. तो 18 एंड अबव कैन वॉच दिस मूवी. सो आउट हो गया, अबव हो गया. थर्ड, ही मेड हर फील स्पेशल एंड केयर्ड फॉर. ये ऐसे ही यूज होता है, केयर्ड फॉर, यू हैव यू नो केयर्ड फॉर, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज इट लाइक दिस ओनली. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ही मेड अ स्पेशल एंड केयर फॉर, केयर्ड ऑन इन आफ्टर नहीं होगा, केयर्ड फॉर ही होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो हमें चाहिए सबसे पहले आउट ऑफ, विच इज बी, हमें चाहिए बी, फिर चाहिए अबव बी ए. तो बी आउट, ये तो बी से स्टार्ट नहीं है, और बी और सी, डी में डी ए ई. ठीक है, आंसर इज दिस, आउट ऑफ, अबव और फॉर. नेक्स्ट, ही इज सो ट्रांसपेरेंट इट इज पॉसिबल टू सी एवरी प्लॉय. जब जब ट्रांसपेरेंसी की बात होती है ना, तो सी थ्रू ही यूज होता है. जैसे कई बार यू नो यू वुड हैव रेड दिस समवेयर, जो बॉलीवुड गॉसिप्स वगैरह होती है, दैट यू नो दिस सेलिब्रिटी वाज स्पॉटेड वेयरिंग अ वेरी सी थ्रू ड्रेस. सी थ्रू ड्रेस क्या होगी, सी यू नो दिस एक्टर वॉज वेयरिंग अ सी थ्रू शर्ट, समथिंग विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट. सो ही इज सो ट्रांसपेरेंट इट इज पॉसिबल टू सी. और एक सी थ्रू क्या होता है, एक सी थ्रू ये भी होता है कि आप मतलब यू नो यू कैन सी कि बंदा क्या सोच रहा है, उसकी कोई क्लेवर प्लानिंग है, तो यू कैन सी थ्रू इट. आप उसकी मतलब पकड़ लिया आपने उसकी क्लेवर प्लानिंग, जैसे यू नो अ मदर कैन सी थ्रू हर किड्स लाइज, तो पकड़ मतलब पकड़ लेना, सी थ्रू, आप ट्रांसपेरेंट है, जो भी वो सोच रहा है उसकी क्लेवर प्लानिंग है या कुछ भी है, तो वो आप देख पा रहे हो. सो इट इज सो ट्रांस, ही इज सो ट्रांसपेरेंट इट इज पॉसिबल टू सी थ्रू एवरी प्लॉय. सो व्हाटएवर यू नो ही इज थिंकिंग अबाउट, यू कैन सी थ्रू दैट, यू कैन सी कि वो क्या है, वो आपसे कर मतलब आपसे छुपा के कुछ नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द थ्रू ही होगा ट्रांसपेरेंसी में. पेंटिंग शुड बी डन इन ब्राइट शेड सो दैट दे मे स्टैंड मोर विविडली. स्टैंड आउट होगा, स्टैंड, स्टैंड आउट होगा. स्टैंड आउट का मतलब ये फ्रेज ऐसे यूज होता है, स्टैंड आउट मीन्स हटके, बाकियों से हटके, यू नो शी स्टैंड आउट अमंग ऑल हर फ्रेंड्स.
मतलब बाकी सबसे अलग निखर के आते हो। पेंटिंग शुड बी डन ऐसे ब्राइट शेड्स में करो कि मतलब वो बिल्कुल हटके लगे, बिल्कुल अलग से दिखे, स्टैंड आउट। शी रैन डैश ऑल ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन अ फ्यू फ्यू आवर्स। शी रैन इनटू का मतलब होगा तो उनके अंदर चली गई है, ठीक है, बट ऐसे नहीं होगा। शी रैन थ्रू और बिहाइंड भी नहीं हो सकता, मतलब उसके पीछे चली गई है। शी रैन अप आउट अक्रॉस, देखो अक्रॉस से बेटर यहाँ थ्रू होगा। अक्रॉस कब यूज करते हैं वैसे हम? अक्रॉस यू नो हम तब यूज करते हैं जब यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एक एक छोर से दूसरे छोर, एक पॉइंट से यू नो एक रिवर है तो द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। जब मुझे रोड का बता रहे, मतलब शी रैन अक्रॉस द रोड, अगर मैं शी रैन अक्रॉस का होगा मतलब एक पॉइंट से रोड के दूसरे पॉइंट तक गई है, बट रैन थ्रू ही यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्मली। रैन थ्रू शी रैन थ्रू ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन फ्यू आवर्स। मतलब रैन थ्रू का मतलब यही होता है कि यू नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू आर एग्जामिनिंग समथिंग, यू आर एनालाइजिंग समथिंग, कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो रैन थ्रू का मतलब होता है फटाफट उसको, यू नो शी जस्ट वेंट थ्रू इट, सो थ्रू ही होगा यहाँ पे। लेट्स चेक द ऑप्शंस, पहले हमारा थ्रू है विच इज बी, तो आउट आउट आउट, और देखो दोनों ऑप्शंस में लास्ट में बी ही है तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। इसको नहीं भी ज्यादा टाइम देते इस सेंटेंस को तो चल जाता, बिकॉज कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सोचोगे भी तो बिकॉज दोनों में सेम है। सो पॉइंट वाज बी और ए में से सेलेक्ट करना था सेकंड में। सो स्टैंड आउट, स्टैंड आउट, स्टैंड अप नहीं होगा। डी और ई देखो ऑप्शन भी क्या है, स्टैंड अप, पेंटिंग स्टैंड अप हो सकती है, नहीं हो सकती ना, स्टैंड आउट हो सकती है, मतलब बिल्कुल बाकी से हटके। सो इट शुड बी ई, तो बी ई, बी अगेन थ्रू। सो सी थ्रू मीन्स समथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट, बी इट यू नो ड्रेस और मतलब वट एवर यूर थिंकिंग, दैट थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट टू अदर पीपल। सेकेंड स्टैंड आउट, थर्ड अगेन रैन थ्रू विच मीन्स यू नो टू गो थ्रू समथिंग, सब कुछ एक बार देख लेना, जो भी एग्जामिन कर लेना, एनालाइज कर लेना। नेक्स्ट, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी लेफ्ट डैश पीस, बट हिज वाइफ कंटिन्यू टू नैग हिम ऑल इवनिंग। नाउ लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ पीस, विद पीस, इन पीस, शांति में रहने देना उसे। ही वॉन्टेड टू बी लेफ्ट इन पीस, प्लीज उसको शांति में, यू नो वो शांति में रहना चाहता था, में इन, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी लेफ्ट इन पीस, बट हिज वाइफ कंटिन्यू टू नैग हिम। शी फ्राउंस, फ्राउंस के साथ यूज होगा ऑन, शी फ्राउंस ऑफ विद ओवर ऑन, शी फ्राउंस ऑन पीपल, लोगों के ऊपर मुंह चढ़ाती है। शी फ्राउंस ऑन पीपल हु गॉसिप इन द ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जो लोग बात करते हैं उन पे यू नो मुंह चढ़ाना, शी फ्राउंस ऑन होता है। द प्रिंसिपल डिसअप्रूव्स, डिसअप्रूव्स ऑफ होता है, ऑफ यूज करते हैं मोस्टली हम, डिसअप्रूव, अप्रूव और डिसअप्रूव के साथ ऑफ। द प्रिंसिपल डिसअप्रूव्स ऑफ टीचर्स पनिशिंग द स्टूडेंट्स फॉर माइनर मिस्टेक्स, सो द प्रिंसिपल डिसअप्रूव्स। एक और चीज यू नो वी मस्ट डिस्कस हियर, ऑफ और इस वाले ऑफ में क्या अंतर होता है? ये वाला ऑफ यू नो समटाइम्स इट शोज पोजेशन, समटाइम्स इट शोज यू नो कॉज, जैसे यू नो ही डाइड ऑफ कैंसर, ये काफी कॉमन सेंटेंस है, ही डाइड ऑफ कैंसर, या कोई भी बीमारी, यहाँ पे बीमारी चेंज हो सकती है बट ये डाइड ऑफ हम लिखते हैं, कॉज बता रहे हैं क्यों, यू नो ही डाइड बिकॉज ऑफ व्हाट, या पोजेशन, दिस दिस बुक इज ऑफ हर, या कुछ भी ऐसे, ठीक है। ये वाला ऑफ कब यूज होता है? ये वाला ऑफ होता है यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम सेपरेशन, सम सेपरेशन या रिमूवल, जैसे कि टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज इन द टेम्पल, सो टेक ऑफ योर शूज, आप शूज से सेपरेट हो रहे हो, सो टेक ऑफ योर शूज, या यू नो टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट्स, तो लाइट्स भी बंद हो रही है, रिमूव हो गई लाइट, बंद हो गई, तब हम ये वाला ऑफ यूज करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो डिस्पोज ऑफ, यू नो वेन यू आर सेइंग प्लीज डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, तो आपको लगेगा पूरा फेंक रहे हो तो सेपरेट हो रहा है, बट उसमें ये वाला ऑफ लगता है, ठीक है। तो कुछ मतलब एक्सेप्शन तो होती है इंग्लिश में, बट जनरली तब हम इस ऑफ को सेपरेशन के लिए यूज करते हैं और इस वाले ऑफ को पोजेशन के लिए। तो इसमें ऑफ ये वाला आएगा, डिसअप्रूव के साथ ये वाला ऑफ आएगा कि द प्रिंसिपल डिसअप्रूव्स ऑफ टीचर्स पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस ऑफ विल बी देयर। सो लेट्स सी, ऑप्शन फर्स्ट इज इन, तो हमें चाहिए डी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, ए इज आउट, डी इज आउट, ई इज आउट, सो
बी और सी बचा है. अब एफ, एफ ऑन, शी फाउंड्स ऑन, देन यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन ई और ए, तो प्रिंसिपल डिसअप्रूव्स ऑफ, डिसअप्रूव के साथ ऑफ लगेगा. सो आंसर इज ए, मतलब ऑफ लगेगा, तो डी एफ ए, इन ऑन ए, इन ऑन ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल प्रोटेस्टेड अबाउट द फैक्ट्री एज इट्स हाई एमिशंस लेड डैश वाइडस्प्रेड पोल्यूशन. ये टू ही होता है, लेड टू होगा हमेशा, लेड टू समथिंग, यू नो, सो लेड के साथ हमेशा टू ही होगा. पीपल प्रोटेस्टेड अबाउट द फैक्ट्री एज इट्स हाई एमिशंस लेड टू वाइडस्प्रेड पोल्यूशन. शी प्रोक्योर्ड अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट. कोर्ट से उसने स्टे ऑर्डर लिया. शी प्रोक्योर्ड अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट. अ कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड वाज लॉन्च्ड डैश सम वेल मीनिंग एक्टिविटीज. अब याद रखना, हमने अभी डिस्कस किया था कि विद और बाय का डिफरेंस, विद बाय इधर है एंड देन, या विद, तो बाय जब डूअर, जब किसी ने कुछ काम किया हो, यू नो, हिट द स्टोन, ही वॉज हिट विद द स्टोन, स्टोन के साथ विद था, बट बाय अ गर्ल, जिसने काम किया, डूअर उसके साथ बाय होता है, तो एक्टिविस्ट डूअर है इधर, दे हैव लॉन्च द कैंपेन, तो वी शुड हैव बाय हियर. ठीक है, सो वी हैव टू सी की टू फ्रॉम और बाय. टू, टू कहाँ पे होगा, बी ऑप्शन. सो बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, यू जस्ट हैव वन ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम बी. गुड, दिस वॉज इजी. बी, और फिर क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम इज डी, एंड देन वी हैव बाय, बाय इज ए, सो आंसर इज सी. ओके, आई लिव डैश मुंबई, आई स्टे डैश स्ट्रीट. अच्छा, अब ये फिर से इन एट का डिफरेंस क्या है. इन होता है, जैसे पहले हमने टाइम का क्या था, कि जब टाइम स्पेसिफिक होगा होगा तो एट होगा, और जब पीरियड होगा तो इन होगा. ऐसे ही यू नो प्लेस का भी होता है, अगर बहुत स्पेसिफिक प्लेस है, बहुत स्पेसिफिक प्लेस है तो एट होगा, और एक बड़ी प्लेस है तो इन होगा. आई लिव इन मुंबई, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है, मतलब वेयर एग्जैक्टली मुंबई, दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक थिंग. मुंबई के अंदर आप कर सकते हो इन, बट जब हम बोलते हैं एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट, तो वो बहुत स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आएगा एट. आई एम गोइंग डैश वॉच द प्ले. ओके, इट गोइंग टू बी टू. आई एम गोइंग टू वॉच द प्ले टू नाइट. टू वॉच, आई एम गोइंग टू वॉच द प्ले टू नाइट. ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव्स. इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू के साथ. सो आई एम गोइंग टू वॉच द प्ले टू नाइट. नाउ यू नो वन मोर थिंग वी कैन लर्न, कि लाइक देयर वी हैव ऑन टू ऑल्सो. सो इन, ऑन टू, ये सब क्या होते हैं, लाइक ऑन है, ऑन, अपॉन, इनमें क्या अंतर होता है. ऑन मतलब कोई चीज पहले से ही उस पर है, जैसे एक टेबल है तो उस पर कोई बुक है, सो द टेब द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल. कोई चीज मतलब हम बस बता रहे हैं कि उसके ऊपर है तो ऑन. पर अपॉन क्या होती है, पहले से नहीं है, पहले से वहां पर नहीं है, बाद में उसके ऊपर आती है. ठीक है, द बुक फेल अपॉन द टेबल, द बुक फेल अपॉन द टेबल, फेल अपॉन द टेबल. सो तब हम अपॉन यूज करते हैं. ऑन और अपॉन में ये डिफरेंस होता है. ठीक है, ऑन ऑलरेडी देयर, अपॉन कोई चीज ऊपर से आके उस पे ऑन, बाद में ऑन हो रही है. सो वी आर टेलिंग द प्रोसेस ऑल्सो. ऐसे ही डिफरेंस होता है इन और इनटू का भी. इन मतलब पहले से उसके अंदर है, यू नो, शी इज सिटिंग इन द कार, बट इनटू मतलब वो एक्चुअली में जा भी रही है. सो इनटू मतलब एंट्री होगा, लाइक द कैट मूव्ड इनटू द रूम, द कैट मूव्ड इनटू द रूम. इनमें क्या होगा, द कैट वॉज इन द रूम. तो द कैट वॉज इन द रूम मतलब वो पहले से रूम में थी, हमारा फोकस बस ये कि वो उसके अंदर है, लेकिन इनटू में हम लोग इस चीज पे भी फोकस दे रहे हैं कि वो रूम के अंदर जा रही है. द कैट मूव्ड इनटू द रूम. सो ये अंतर है इन और इनटू का, ये है ऑन अपॉन का. और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू जब होता है जब नीचे से किसी चीज पे ऊपर जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइम ऑन टू द हॉर्स, क्लाइम ऑन टू द हॉर्स. आप नीचे थे फिर हॉर्स पे ऊपर चढ़ गए, सो क्लाइम ऑन टू द हॉर्स. सो ऑन अपॉन, ऑन टू का ये डिफरेंस होता है, इन और इनटू का ये होता है. सो इस वाले क्वेश्चन में, या वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, इट बिगिंस विद इन, तो इट हैज टू बी बिगिन विद सी, तो ए और बी आउट है. फिर इनके बाद एट था, एट इज बी, सो सी इज आउट, ई इज आउट, क्योंकि बी चाहिए हमें. फिर लास्ट में क्या है, ई, टू
Two, yes, two. So C, B, E. Answer is B. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन, क्योंकि प्रपोजिशंस की गलती उसमें भी आ सकती है. सो द चाइल्ड लव्स बोथ डांसिंग एंड सिंगिंग एंड रिफ्यूजेस टू कंफर्म बाय द विशेस ऑफ हिज स्ट्रिक्ट पेरेंट्स. तो ये प्रपोजिशन की मिस्टेक है, इसमें कंफर्म बाय नहीं होता है, कंफर्म टू होता है. सो द एरर इज डांसिंग रिफ्यूजेस कंफर्म बाय. अब यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंफर्म एंड दिस कंफर्म? CONFORM और CONFIRM. इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो ये वाला कंफर्म होता है ना, आई वाला, FIRM वाला कंफर्म, इसमें क्या होता है दैट यू नो लाइक वी यूज इट टू कंफर्म द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी या वैलिडिटी. जैसे कि जिसे आपको कोई अमाउंट कहते हैं फिर से पेमेंट करने से पहले कि यू नो प्लीज कंफर्म दिस अमाउंट, आप चेक करते हो अमाउंट को कंफर्म कर रहे हो, या अच्छा एक बार कंफर्म करना आपके यही मार्क्स हैं क्या, तो हम ये वाला कंफर्म करेंगे. जैसे मार्क्स करने हैं या अमाउंट कंफर्म करना है कि प्लीज कंफर्म कर दो यही फाइनल डेट है ना, तो देन वी यूज दिस कंफर्म. ठीक है, पक्का पक्का यही है ना. ये वाला कंफर्म कब यूज होता है? ये वाला कंफर्म यूज होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंफर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, या यू नो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कुछ भी रेगुलेशंस हैं उनका हम पालन कर रहे हैं. नई सोसाइटी की हो सकती है, हमारी कंपनी की हो सकती है, हमारी गवर्नमेंट की हो सकती है, कोई भी. जब रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स का पालन करने की बात होती है तो ये कंफर्म, ये वाला यूज होता है. तो ये वाला एक्यूरेसी के लिए, एक बार प्लीज फिर से चेक कर लो, ये वाला होता है एक बार फिर से चेक करते हैं ना, जो हम पेमेंट करने से पहले अमाउंट एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, या नंबर फोन नंबर किसी को दिया फिर से कंफर्म करते हैं, वो ये वाला होता है. लेकिन जब किसी की बात माननी होती है, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, कंपनी की, गवर्नमेंट की, किसी की बात माननी होती है तो ये वाला करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर विशेस ऑफ द पेरेंट्स है ना, तो ये कंफर्म यूज है, क्योंकि पेरेंट्स की विशेस को आप एक्यूरेसी चेक नहीं करोगे, उनका पालन करोगे, तो इसलिए ये वाला कंफर्म था. और उसके साथ टू यूज हो रहा है, बाय नहीं होगा. यू कंफर्म टू समथिंग, समथिंग इज गिवन टू यू एंड यू कंफर्म टू इट. नेक्स्ट, टाइटैनिका विच फ्लाइज फ्रॉम सिंगापुर टू हांगकॉन्ग इज द लार्जेस्ट क्रूज लाइनर ऑफ द वर्ल्ड. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड में क्या दिक्कत है. ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड और इन वर्ल्ड, ये ऑफ मतलब ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड में क्या अंतर है? देखो, जब हम किसी ज्योग्राफिकल वाली चीज के बारे में बात करेंगे जो फिजिकली लोकेटेड है, फिजिकली लोकेशन हम दे रहे हैं कोई ज्योग्राफिकल चीज की, जैसे यू नो दिस इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दिस इज द यू नो टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो इन होगा, इन. ठीक है, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, कोई भी चीज. ये बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक यू नो एक फिजिकल एस्पेक्ट है, वो लोकेटेड है ज्योग्राफिकली भी. लेकिन ऑफ कब होता है? जब वो ज्योग्राफी के बारे में, मैं उसकी फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लाइक चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड शुड स्टडी, या वर्कर्स, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, उस केस में आप ऑफ करोगे वो. ठीक है, इन इस वे में यूज होता है. तो ये टाइटैनिका जो ये शिप है, ये जो है क्रूज जो है, अब आप इसको फिजिकली लोकेट कर सकते हो ना कहीं पे वर्ल्ड में, तो इन है, इन इन द वर्ल्ड. सो आंसर इज, इस वाले पार्ट में गड़बड़ है, ऑफ नहीं होगा. सो आंसर इज डी, ऑफ नहीं होना था, इन होना था. सो दिस वाज अबाउट प्रेपोजिशंस. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट.